खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बरवाला नगर के दौलतपुर रोड पर नहर के समीप खेत में कल रात्रि भैंस चोर गिरोह ने खेत में सो रहे किसान बरवाला निवासी नरेश सैनी की बेरहमी से हत्या कर दी और खेत में बंधी हुई दो भैंस और एक कटड़ा लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बरवाला के सैनी मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय किसान नरेश सुपुत्र जुगलाल सैनी दौलतपुर रोड पर नहर के समीप बरवाला के जयदेव जावा की खेती को ठेके पर लेकर वहीं खेत में ही सो रहा था और अपने पास दो भैंस और एक कटड़ा भी रखे हुए था। रविवार सुबह जब खेत मालिक का एक जानकार खेत में गया तो वहां नरेश को खून से लथपथ मृत पाया और खूंटे से बंधे पशु की गायब मिले। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक नरेश के परिवार वाले और बरवाला पुलिस के थाना प्रभारी संदीप कुमार और डीएसपी संजय सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद वारदात स्थल का मुआयना कर मृतक की डेड बॉडी को बरवाला के सरकारी अस्पताल में भेजा गया। वहां से हिसार पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि नरेश बेहद ही शरीफ और गरीब व्यक्ति था। वह अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए ठेके पर जमीन लेकर खेती करता था। उसकी मौत से उसका परिवार बेहद सदमे में है। उसके सिवाय घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। मृतक नरेश सैनी की चार लड़कियां और दो लड़के हैं। सभी बच्चे छोटे हैं और अविवाहित भी है। बरवाला पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आसपास के इलाके से छानबीन शुरू कर दी है। तो वहीं मोहल्ले वासियों ने नरेश की हत्या पर गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और एक सदस्य को स्थायी रोजगार देने की मांग की है। K9 मीडिया के लिए बरवाला से कपिल मेहता की रिपोर्ट। जो घटनाक्रम हुआ इसके बारे में बताएं आप। दिनेश कुमार खेत में रहता था, मान ले मजदूर काम करता था, पांच महीने से ही रहता था। इसके मान ले के नाम रात को कोई रात ने पता नहीं किस टाइम आए हैं ना आए हैं, रात को मान ली सुबह पता लगे, माने सुबह पता लगे तो मान ले आगे देखा तो मान ले मृत घोषित हो गया था। ना नशे रखे थे, नंगर मिले हैं ना और मिले हैं, और सिर में चोट काफ़ी चोट लग रही है, बिना से लगे हुए हैं कि उस और लगे हैं, तेज हथियार से माने चोट लगी हुई है। विवाहित था या अविवाहित था? ना जी विवाहित था जी। इसके छह बच्चे हैं जी, चार लड़कियां हैं जी, दो लड़के छोटे लड़के हैं, बड़ी लड़कियां जी, लड़की 22-23 साल की लड़की हैं जी। मान ले ये बहुत शरीफ आदमी, गरीब परिवार से था जी। मान ले